राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वर्गीय सुनील उपाध्याय की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का निर्णय भी लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वर्गीय सुनील उपाध्याय की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सुनील उपाध्याय को श्रद्धाभाव से पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने उनके बताए कि मार्ग पर चलने का निर्णय भी लिया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन चेतन गुलेरिया ने बताया कि स्वर्गीय सुनील उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप पर गरीबों को कपड़े भी बांटे गए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुनील उपाध्याय ने विद्यार्थी परिषद के लिए अपना बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर व बासा कॉलेज में भी स्वर्गीय सुनील उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर से छोड़कर हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम शुरू करने का जिन्होंने काम किया, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यार्थी परिषद ने पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी कैंपस में हमने कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप किए, कई जगह हमने सुनील उपाध्याय वस्त्र बैंक के माध्यम से लोगों को वस्त्र बांटे, जिनको वस्त्र की आवश्यकता थी उनको वस्त्र बांटे, और इसी के साथ साथ हरेक कॉलेज कैंपस में हम जो है उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि समारोह कर रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सबको ये पता लगना चाहिए कि सुनील उपाध्याय का विद्यार्थी परिषद के काम को हिमाचल प्रदेश में उठाने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर काम खड़ा हुआ है। तो इन्हीं की पुण्यतिथि पर विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो मंडी हो, चाहे सुंदरनगर हो, बासा हो, जोगिंद्रनगर हो, हर एक कॉलेज में हम जो इस तरह के पुष्पांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी परिषद के ऐसे कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं का जो है सभी को परिचय हो जाए और इनकी महान आत्मा के लिए जो है उनकी शांति की कामना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहां से कर रहे हैं।